प्रिय दर्शक एवं श्रोता, इस चैनल को शुरू करने का हमारा उद्देश्य लोगों को साहित्य के और करीब लाना है। किताबघर ये कभी नहीं चाहता कि किसी भी प्रकाशन संस्थान को किसी भी तरह की हानि हो। हमारा ये चैनल साहित्य उत्थान की दिशा में एक सार्थक कदम है। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। हमें लाइक शेयर कमेंट भी कीजिए। और एक ज़रूरी बात साथियों, साहित्यकारों कवियों के अलावा भी यदि हमारे दर्शक व श्रोता भी लिखते हैं जो ये चाहते हैं कि हम उनकी रचनाओं को अपने चैनल पर प्रसारित करें, तो वो भी हमसे कमेंट सेक्शन में संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों। आपको याद है आज कौन सी तारीख है? आज 1 अगस्त है। और दोस्तों सच बताऊं, मुझे पिछले 2 बार से हर महीने के पहले दिन का बेसब्री से इंतज़ार है और आगे भी 1 साल तक बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि आज कौन सी कहानी की बारी है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं महीनों की कहानियां में से अगस्त की कहानी। और एक ज़रूरी बात दोस्तों, इस महीने 3 बहुत महत्वपूर्ण तारीखें पड़ रही हैं। एक तो है 15 अगस्त, आप सबको मालूम है। तो दोस्तों मैंने इस बार 15 अगस्त पर विचार किया है कि आपको रिकॉर्डेड कहानी या कविता ना सुना के उस दिन लाइव आया जाए, ठीक है? तो मैं पूरी हर संभव कोशिश कर रहा हूँ अपनी कि मैं 15 अगस्त के दिन किसी भी समय लाइव आऊँ। वैसे मेरी कोशिश है कि मैं अंदाजन शाम के 6 बजे करीब लाइव आने की सोच रहा हूँ। तो हम ये निर्धारित करते हैं कि 15 अगस्त के दिन शाम को 6 बजे मैं अपने चैनल पर लाइव आऊँगा और हम एक कविता पढ़ेंगे। दरअसल वो कविता भी इतनी अच्छी है दोस्तों कि उसको रिकॉर्डेड या कट कट पढ़ के या और किसी तरीके से पढ़ के मज़ा नहीं आएगा। उसको लाइव ही पढ़ें आप सबके सामने तो बहुत अच्छा रहेगा। और बाकी की 2 तारीखें अभी नहीं बताऊंगा मैं, वो 2 तारीखें 15 तारीख से पहले पड़ेंगी, इतना क्लू आपको दे रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अगस्त की कहानी। ऑगस्टस की आत्मा। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों की तैयारियां हो रही थीं। परेड और खेलकूद के अलावा शाम को नाटक और बहरूपिया बनने के लिए प्रतियोगिता होने वाली थी। कई बच्चों ने अपने अपने ढंग से बहरूपिया बनने की बात सोची। हरीश भी इस प्रतियोगिता में भाग तो लेना चाहता था, किंतु कुछ सोच नहीं पा रहा था कि वो क्या बने। आखिर 15 अगस्त का दिन आ गया। सवेरे से ही बच्चों में बड़ा उत्साह था। स्कूल में सवेरे परेड हुई, इसके बाद दिन भर खेलकूद हुए, शाम को नाटक होने वाला था। अंधेरा होते ही पंडाल भर गया। पहले नाटक हुआ, बच्चों को बहुत पसंद आया, खूब तारीफ हुई, खूब तालियां बजी। इसके बाद बहरूपिया बनने की प्रतियोगिता शुरू हुई। एक एक कर बच्चे आने लगे, सबको बच्चों ने पहचान लिया। किंतु जब एक बादशाह मंच पर आया तो कोई उसे पहचान न सका। उसके साथ 2 नौकर भी थे, उनकी शक्लें भी नहीं पहचानी जाती थी। बादशाह ने आवाज लगाई, क्या कोई मुझे पहचान सकता है कि मैं कहां का बादशाह हूं? पंडाल में सन्नाटा छा गया, लोग आश्चर्य से उसे देख रहे थे। बादशाह जोर से ठठाकर हंस पड़ा, बोला, मैं रोम के प्रसिद्ध सम्राट जूलियस सीजर के भतीजे ऑगस्टस की आत्मा हूं। हां, वही ऑगस्टस जिसने एक बार फिर रोम को दुनिया का सबसे बड़ा देश बना दिया था। आपको शायद मालूम नहीं कि ये अगस्त का महीना मैंने ही चलाया था। जूलियस सीजर ने जुलाई का महीना चलाया था और मैंने अपने नाम से अगस्त का महीना चलाया। कितनी खुशी की बात है कि हिंदुस्तान ने इसी महीने में आजादी पाई। कभी कभी मैं ये सोचकर बहुत खुश होता हूं कि मैं एक ऐसे देश के स्वतंत्रता दिवस को मनाने का अधिकारी हूं जो सभ्यता और संस्कृति में रोम जैसा ही पुराना है। आज मैं इसीलिए इस कार्यक्रम में आप सबसे मिलने आया हूं।
आप लोग शायद बहरूपिया का खेल खेल रहे थे। मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है। आप लोग कितने वीर हैं ये किसी से छिपा नहीं है। आज़ादी की लड़ाई में आपने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं ये भी मैं जानता हूँ। मुझे तो यही खुशी है कि आपको आज़ादी मिली तो मेरे महीने में। वैसे मुझे मालूम है कि इस महीने में क्या क्या होता है, मैं वो सब बातें बताना चाहता हूँ। उम्मीद है आप लोग ध्यान से सुनेंगे। सब लोग चुपचाप आश्चर्य से बादशाह ऑगस्टस की बातें सुन रहे थे। ऑगस्टस ने अपने एक सेवक को इशारा किया, वो तुरंत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का बड़ा सा चित्र लेकर खड़ा हो गया। ऑगस्टस ने कहा, आप सब इन्हें पहचानते होंगे, इन्होंने ही आपको नारा दिया था, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हर साल 1 अगस्त को उनकी पुण्यतिथि पड़ती है। लोकमान्य तिलक के बारे में कहा जाता है कि महाराष्ट्र में शिवाजी के बाद यदि कोई राष्ट्रीय वीर पैदा हुआ है तो वो लोकमान्य तिलक ही थे। वो बचपन से ही बड़ी तेज बुद्धि वाले छात्र थे। सन 1872 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की, फिर बीए और 1879 में कानून की परीक्षा पास की। उन्होंने 2 अखबार निकाले थे, केसरी और मराठा, ये दोनों आज भी निकल रहे हैं। इनमें तिलक ने देशभक्ति और राष्ट्रीयता को जगाने वाले बड़े अच्छे लेख लिखे। धीरे धीरे जनता में वे इतने परिचित हो गए कि लोग उन्हें लोकमान्य कहने लगे। लोकमान्य ने महाराष्ट्र में राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा दिया। सन 1908 में उन पर सरकार के खिलाफ विद्रोही कार्य करने के अपराध में मुकदमा चला। उन्हें 6 साल की सजा दी गई। लोकमान्य तिलक ने वहां 3 पुस्तकों की रचना की, जिनमें एक गीता रहस्य भी थी। उनकी यह पुस्तक बहुत लोकप्रिय हुई। वे कहते थे, विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अपने देशवासियों के शासन से अच्छा कभी नहीं हो सकता। फिर कुछ रुककर ऑगस्टस ने कहा, मैं जो कुछ कह रहा हूं वो आप सब जानते हैं। हो सकता है कुछ लोग मेरे भाषण को नापसंद कर रहे हों, लेकिन मैं तो ये बताना चाहता हूं कि आप लोगों के बारे में मुझे कितनी जानकारी है। आशा है आप लोग अपने इस छोटे से मेहमान की बात जरूर सुनेंगे। यदि कोई भूल हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। हाँ, तो अगस्त महीने में ही गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की पुण्यतिथि पड़ती है। इस देश के राष्ट्रगीत के कवि वही हैं। उनकी मृत्यु 7 अगस्त को हुई थी। एक नौकर ने रविंद्रनाथ ठाकुर का चित्र दिखाया। ऑगस्टस ने कहा, इसके बाद 9 अगस्त आता है, भारत छोड़ो आंदोलन दिवस। ये दिन याद दिलाता है उस आंदोलन की जो इस देश की आज़ादी के लिए छेड़ा गया था। बंबई में 8 अगस्त 1942 को एक प्रस्ताव पास किया गया। भारत और ब्रिटेन का हित इसी में है कि अंग्रेज ठीक समय पर और अनुशासित ढंग से भारत छोड़कर चले जाएं। उसी समय महात्मा गांधी ने कहा था, अब बातचीत के लिए कोई गुंजाइश नहीं, इसके लिए अब और अवसर देने का सवाल भी नहीं उठता, अब खुला विद्रोह करना है, चाहे करो या मरो। और फिर क्या हुआ आप सब जानते हैं। देश भर के नेता 9 अगस्त को गिरफ्तार कर लिए गए। नेताओं की गिरफ्तारी से सारे देश में विद्रोह की आग भड़क उठी। क्रांतिकारियों ने अपनी आहुति देनी शुरू कर दी। अंग्रेजों ने भी लोगों को कुचल देने की कसम खा ली थी। हजारों लोग शहीद हुए। जेलों की कोठरियां क्रांतिकारियों से भर गईं। ब्रिटिश साम्राज्य का तख्त हिल उठा था और इसी का परिणाम था कि अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। 15 अगस्त सन 1947 को भारत आजाद हो गया। उसी दिन से हर साल 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से इस देश के प्रधानमंत्री देश को अपना संदेश देते हैं। इस दिन जहां ये याद करते हैं कि इस आजादी के लिए लोगों ने कितनी कीमत चुकाई है, वहीं ये भी सोचते हैं कि आज़ादी की रक्षा के लिए, देश की खुशहाली के लिए हमें क्या करना है, क्या कर चुके हैं। अपनी आज़ादी की रक्षा के लिए जहां ये ज़रूरी होता है कि सैनिक ताकत काफ़ी बढ़ी चढ़ी हो, वहीं ये भी ज़रूरी है कि देश के भीतर शांति रहे।
इसलिए स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। सीमा के मोर्चे पर जवान है तो घरेलू मोर्चे पर उत्पादन करने वाला किसान है। आजादी की हर वर्षगांठ हमें अपने कर्तव्यों को याद दिलाती है। आप लोग सोचते होंगे कि मैं रोम देश का बादशाह भला भारत के बारे में इतनी सब बातें कैसे जानता हूं, तो इसका उत्तर यह है कि मुझे अगस्त महीने में होने वाली सभी महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी है, चाहे वे किसी भी देश की क्यों ना हो। अब जन्माष्टमी की बात ले लीजिए, यह विशेष रूप से उत्तर पूर्व और पश्चिमी भारत का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। जिन भागों में कृष्ण का प्रभाव अधिक है वहां कृष्ण जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। भगवान कृष्ण की लीलाओं और महाभारत की युद्ध के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। ऑगस्टस के नौकर भगवान कृष्ण की लीलाओं के बड़े बड़े चित्र दिखा रहे थे। हां, 16 अगस्त को एक ऐसी कवित्री का जन्मदिन पड़ता है जिसने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक अकेली कविता का ऐसा बिगुल बजाया कि वो आज भी गूंज रहा है। वो कवित्री थी सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनकी कविता खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी बहुत प्रसिद्ध हुई। वो कविता आज भी गाई जाती है। पृष्ठभूमि में सुभद्रा कुमारी चौहान और झांसी की रानी के चित्र दिखाए जा रहे थे। इसके बाद बादशाह ऑगस्टस की आत्मा ने एक रंगीन चमकीला डिब्बा निकाला। वो बोला, ये लीजिए, मैं आप लोगों के लिए एक तोहफा लाया हूं, आप इसे मेरे जाने के बाद खोलिएगा। इस डब्बे को रोम की देवी का वरदान प्राप्त है, आप इसे खोलकर जो मांगोगे मिलेगा। अच्छा, अब चलूं। डिब्बा मंच पर छोड़कर बादशाह ऑगस्टस अपने नौकरों के साथ चला गया। इसके जाते ही गणित के अध्यापक मेहता साहब झपट कर मंच पर पहुंच गए। उन्होंने जैसे ही डिब्बा खोला कि उसके अंदर लगी स्प्रिंग से एक पुतला जोर से उछल पड़ा। मेहता साहब घबरा कर पीछे हट गए और पंडाल में हंसी का फव्वारा छूट पड़ा। वातावरण शांत हुआ तो किसी ने मेहता साहब से कहा, उस गुड्डे के साथ एक कागज भी निकला था, जरा उसे उठाकर पढ़िए ना। मेहता साहब ने उसे पढ़ा। ये बादशाह ऑगस्टस और कोई नहीं, मैं हरीश खन्ना था और मेरे दोस्त नीरू और वीरू नौकर बने थे। तालियों की गड़गड़ाहट से पंडाल एक बार फिर गूंज उठा। हेडमास्टर साहब ने बहरूपिया बनने का प्रथम पुरस्कार हरीश और उसके मित्रों को देकर कहा, हरीश ने न केवल आपको आश्चर्य में डाला बल्कि जानकारी भरी एक कहानी भी सुनाई, इसलिए उसे एक विशेष पुरस्कार भी दिया जा रहा है। हरीश खुश था, अगस्त के महीने ने उसे दो पुरस्कार दिलाए। Thank you.